So yesterday I went to the market to buy some materials where I knew that this servo motor in blue color cost 100 to 150 rupees, approximately 1 to 1 and half dollars. And I was like, मैं क्यों खरीदो, खुद बना लेंगे अपन. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक अ मोटर लाइक अ सर्वो. यू कैन यूज दिस इन टर्निंग मैकेनिज्म, फ्रंट एक्सल एंड कुछ भी प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसे यूज कर सकते हैं. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, वॉट आर यू वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन टू वॉच माई लेटेस्ट वीडियोज. बाय द वे, माई नेम इज साहिल. लेट्स मेक इट. मटीरियल्स वी नीड टू मेक दिस सर्वो मोटर. 2000 RPM DC motor, 13 tooth gear like this, 2 axle, spring and PVC sheet. आप देख सकते हैं कि PVC sheet waste ना हो इसलिए मैं इसके corner में से ज़रूरी pieces cut कर रहा हूँ. इसके लिए मैं motor रख के marking कर लेता हूँ. Draw a line. Now take a motor and gear and measure the length of this piece. मेजरमेंट हो जाने के बाद हम इसे कटर से कट कर लेंगे. कट करते समय थोड़ा पेशेंस रखना, हमें लाइन टू लाइन ही कट करना है वरना हमारी मोटर का शेप खराब हो जाएगा. तो मैं फटाफट इसे कट कर लेता हूँ. टू कट दिस पीस नाइसली मेक मल्टीपल स्क्रैचेस ओवर एंड ओवर. स्क्रैचेस लगाने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से बेंड करके तोड़ देंगे. आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से टूट रहा है. मैंने वेस्ट टुकड़े में से कुछ इस साइज की मार्किंग कर ली है. अब हम इसे कट कर लेंगे. इसके कॉर्नर में से भी हमें एक पीस कट करना है कुछ इस तरह का, तो मैं इसे भी कट कर लेता हूँ. इस तरह के हमें दो पीस चाहिए. तो ये सभी पीसों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सबसे पहले हम इस पीस के ऊपर मोटर एंड गियर रख के मार्किंग कर लेंगे. I am making hole here using pen cutter. You can also make hole using any sharp and pointed object. Now rub the edges using file. Make another hole here for the different purpose. Place this piece here and stick with super glue. And make sure it's making right angle here. सिमिलरली दूसरी तरफ भी हम इस पीस को सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे. मैंने कुछ इस तरह का पीस पीवीसी शीट में से कट किया है. अब हम इसे गियर के ऊपर रख के इस स्क्रू को हम पहले वाले होल में फिक्स कर देंगे. तो मैं फटाफट इसे स्क्रू कर लेता हूँ. आफ्टर फिक्सिंग स्क्रू इट्स लुकिंग लाइक दिस. Now fix the axle on the first hole and छोटी वाली axle को हम पीछे वाले होल में फिक्स करेंगे. अब हम इसे इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका देंगे. मैंने पेन रिफिल में से इतना टुकड़ा कट कर लिया है, इसे हम फर्स्ट axle में प्लेस कर देंगे. Now take a spring and इसे हम कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे कि ये दोनों axle के ऊपर फिट हो जाए. अब हम इस गियर वाले पीस को इसके ऊपर फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से. एंड इस स्क्रू को हमें स्प्रिंग के बीच में फिक्स करना है, तो मैं फटाफट इसे फिक्स कर लेता हूँ. फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसे साइड में मूव करने पर ये ऑटोमेटिक सेंटर में अलाइन हो रहा है, जो स्प्रिंग की बदौलत. अब हम यहाँ पर रिफिल का एक पीस लगा देंगे एंड सुपर ग्लू की एक ड्रॉप यहाँ पर रख के इन दोनों पीस को मैं यहाँ पर चिपका दूंगा, जिससे मोटर एंड गियर सिमिलर हाइट पर आ जाएंगे. अब देख सकते हैं ये मूव तो हो रहा है बट साइड में चला जा रहा है. सो वी नीड टू मेक ए स्टॉपर. स्टॉपर बनाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सुपर ग्लू लगा रहा हूँ एंड पीवीसी शीट में से कुछ इतना पीस कट करके मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ. सिमिलरली हम दूसरी साइड में भी सुपर ग्लू से इस पीस को यहाँ पर चिपका लेंगे. अब हम इस रिफिल के टुकड़े को यहाँ पर से निकाल देते हैं एंड सुपर ग्लू को हम दोनों साइड में लगा देंगे. मैंने पीवीसी शीट में से कुछ ऐसा पीस कट किया है, इसे हम यहाँ पे चिपका देंगे. मोटर को निकाल के हम साइड में रख देंगे. देन हम दोनों एजेस पे सुपर ग्लू लगा देंगे. आई हैव मेड दिस पीस टू कीप द मोटर ऑन द प्लेस. इस पीस को हम यहाँ पे चिपका देंगे. अब हम इस मोटर को यहाँ पे वापस फिक्स कर देंगे. एंड डैम, दिस इज़ आवर सर्वो मोटर.
आप देख सकते हैं इसे पुश करने पर यह वापस सेंटर में रिकॉइल हो रही है। अब हम इसे बैटरी से चला कर देखते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी से चलाने पर ये अच्छे से वर्क कर रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वापस सेंटर में रिकॉल हो रही है, जो आपकी आरसी कार को सीधे रास्ते पर ले जाएगी। खुद को और मुझे सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल यूज दिस सर्वो मोटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना एंड फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस मोटर इन द कमेंट बॉक्स। And give me a thumbs up if you like this video. Also follow me on Instagram emma.geniuscreation, link in the description. Go and check it out. आज के लिए बस इतना ही। See you soon in the next video. Goodbye.